अभी तो आपको नीचे का हिस्सा दिख रहा होगा, आप देखो गाइस कितनी बड़ी मतलब की मूर्ति है हमारे यहाँ हनुमान जी की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस अभी मॉर्निंग का बज रहा है 6 और आज मैं ऐसी जगह पर हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ। ऐसे नहीं दिख रहा होगा गाइस, अब देखो कितनी शानदार जगह है। और इनसे मिलो, ये है मेरे फुप्पो के लड़के अदनान। गाइस एक बार देखो, मैं हूँ यहाँ पर नदी के किनारे और सामने सूरज, इतना प्यारा व्यू है यहाँ पर का सुबह सुबह के टाइम का। और सामने देखो एक भाई साहब जो है कपड़े धो रहे हैं और एक भाई साहब नहा रहे हैं। अभी हम लोग इधर साइड में जा रहे हैं क्योंकि सामने को इधर बता रहा है अदनान कि एक मजार है, वहाँ पर चलते हैं। वहाँ पर काफी अच्छी एक मजार बनी हुई है तो उधर साइड में चलते हैं। गाइस यहाँ पर साइटों में आसे पासे जो है बहुत ही अच्छे अच्छे खेत हैं जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। देखो एक साइड में ये खेत हैं और साइड में खेत हैं और सामने अदनान चल रहा है। गाइस सच में यार मतलब कि सुबह सुबह खेतों के बीच में आओ इतना अच्छा लगता है, जितना कि मुझे पता है मुझे कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। एक बार आप लोग भी देखो अदनान चल रहा है और भाई मैं इधर से चल रहा हूँ किनारे किनारे। देखो नीचे का क्या हाल है, कोई रोड वगैरह नहीं है, एक मेंड है उसी पे ही चल रहा है। और इस साइड में देखो गाइस कुछ लोग खेतों में काम कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर देखो एक हम लोग को टुब्बुल दिख गया है, वो भी चलता हुआ टुब्बुल दिख गया है। और इसको देखने के बाद गाइस मुझे काफी ज्यादा हंसी आ रही है क्योंकि पिछले ब्लॉग में हम लोग टुब्बुल ढूंढ रहे थे नहाने के लिए, बट वहाँ पर टुब्बुल नहीं मिला और वो बंद हो गया। और यहाँ पर देखो टुब्बुल चलता हुआ मिल गया। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग मजार पर पहुंच चुके हैं, अदनान लेकर आ चुका है। मजार पीछे आप लोग को दिख रही होगी, तो गाइस इधर देख लो ये है मजार जहाँ पर हम लोग को अदनान लेकर आया है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है, जब यहाँ पर कुल होता है ना गाइस तो यहाँ पर इस मैदान में मेला लगता है। गाइस ये देखो यहाँ पर मजार किनारे पानी रखा हुआ है इसमें, ताकि यहाँ पर जितने भी पंछी जानवर वगैरह हैं वो पानी पी सकें, जैसे कि ये गरेली है ये भी यहाँ पर पानी पीती है आके। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे क्योंकि मजार पे तो हम लोग हो लिए। उधर पीछे देखो गाइस, उधर पीछे मजार थी तो वहाँ पर से हम लोग आ रहे हैं। और अभी हम लोग खेतों के किनारे किनारे मेंढ है गाइस, देखो गाइस रोड नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ से अभी हम लोग घर पर जा रहे हैं अपनी फुप्पो के घर पे, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग निकल ही आए थे तो अब हम लोग घर पर जा रहे हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग हनुमान धाम पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आप लोग बहुत बड़ी सी हमारी जो है हनुमान जी की मूर्ति है देख पा रहे होंगे। और गाइस अभी हम लोग यहाँ पर से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर इस साइड में पुल है, इधर से अभी हम लोग आगे जाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग पुल पर जा रहे हैं, पुल तो यार काफ़ी ज़्यादा मतलब कि खूबसूरत बना रखा है यहाँ पर का। और सामने मूर्ति भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, बहुत बड़ी मूर्ति है हमारे सयामपुर की। तो गाइस अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं सबके सब, और आप लोग को हनुमान जी की मूर्ति जो है कति कने से दिखाएंगे। तो यहाँ पर देख लो, सबसे पहले आप लोग पार्क देख लो, और भाई यहाँ पर देखो अभी तो आपको नीचे का हिस्सा दिख रहा होगा, आप देखो गाइस कितनी बड़ी मतलब की मूर्ति है हमारे यहाँ हनुमान जी की। तो गाइस अभी हम लोग हनुमान मूर्ति जी के पास जो है हम लोग बैठ गए हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सुकून लग रहा है। ऊपर आप लोग देख पा रहे होगे मूर्ति है और नीचे हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और सामने का नज़ारा गाइस बहुत प्यारा है, आप लोग देख लो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा है, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो थोड़ी देर अभी यहाँ पर बैठेंगे घूमेंगे फिर चलेंगे घर पर। तो गाइस अभी हम लोग वापस जा रहे हैं सारे के सारे, चलो गाइस ये जो पुल आप लोग देख रहे हो ये हनुमान मूर्ति के जो पीछे वाला पुल है ये वो पुल है, अभी इसी पुल से हम लोग उस साइड में जाएंगे। गाइस यहाँ पर देखो इधर साइड में नदी है जो कि अभी काफी ज्यादा सूखी पड़ी है, ज्यादा पानी नहीं है, किसी टाइम बहुत ज्यादा पानी होता है यहाँ पर। गाइस यहाँ पर कुछ दुकानें भी लगी हैं जो कि मैं यहाँ पर सभी चैन वगैरह लेने वाला हूँ, स्लेट वगैरह है, ये तो ब्यूटी खान का गिटार लग रहा है मेरे को। तो गाइस यहाँ पर मैंने अभी जो चैन वगैरह ले लिया है और कान का ये ले लिया, कुछ स्टाइल मार रहा है। चलो गाइस यहाँ पर पहले पानी नहीं पी लेते। तो गाइस आज हम लोगों ने हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति थी वो देखी और वहाँ से हम लोग आ गए और अभी फाइनली हम लोग फिर से खेत में आ गए। गाइस देख पा रहोगे कितना बढ़िया यहाँ पर नज़ारा है। और भाई इनसे मिलो, ये अदनान के दोस्त हैं, क्या नाम है? नवाज जिनका नाम है। अभी हम लोग यहाँ पर फिर से खेतों में आए हैं क्योंकि गाइस यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज दिखाऊंगा। गाइस हम लोग को इस साइड में जाना है और यहाँ पर देखो जो बिलेट वाला
तार आ गया और उसके नीचे से निकलना, निकल अदनान भाई निकल, तू पहले सही से निकल गया आराम से, भाई तुम भी निकलो आराम से, आराम भाई मैं भी निकलता हूँ। हाँ सही है, आ गए हाँ, ओ भाई साहब लग गया यार हाथ में लग गया, रुक जाओ देखता हूँ, लग गया गाइस देखो खून भी निकल रहा है। तो गाइस फाइनली देखो अभी अदनान के खेत पर पहुँच के हैं, ये सामने जितना दिख रहा है ना ये सब लगी है हमारी तुरई, तुरई बोलते हैं गाइस, ये तुरई लगी हुई, ये सारा का सारा खेत जो है अदनान का है, इनके पापा यहाँ पर खेती करते हैं। और गाइस इधर देखो पीछे ये आप लोग को दिख रहा है ना पूरा पूरा, ये जो आप लोग को खपटेल पड़ी दिख रही जो झोपड़ी टाइप की, ये मुर्गी फार्म है, यहाँ पर मुर्गियाँ हैं ढेर सारी मुर्गियाँ गाइस ढेर सारी। तो गाइस यहाँ पर देखो तुरई भी लगी है, देख पा रहे होगे अदनान दिखा रहा है तुरई, और कहाँ ये है गाइस देख पा रहे हो तुरई उरई सब है, ऐसा नहीं खेत है तुरई नहीं है, तुरई भी है, अदनान दिखा रहा है हम लोग को, फिर आ गई एक ये तुरई है गाइस अदनान दिखा रहा है। सो गाइस आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि गाइस आज वाले दिन मैं अपनी फुप्पो के घर पे आया हुआ था और सुबह मॉर्निंग में ही 5-6 बजे मैं नदी पर गया, आपको नदी दिखाई थी और फिर हनुमान जी की मूर्ति है यहाँ पर बिसरात में वो आपको दिखाई थी। तो गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आया था और अभी शाम का टाइम हो रहा है 3-4 बज रहा है और अभी गाइस हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं अपने। तो अभी यहाँ पर देखो पीछे कौन कौन आ रहा है, नवाज अदनान समद, तो ये तीनों बंदे गाइस जो मेरे को सुबह से घुमाए जा रहे थे बट अभी गाइस मैं अपने घर के लिए निकल रहा हूँ। Oh, 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 oh,